हेलो फ्रेंड्स, हमने हमारे एबीएम का यूनिट 18 का जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग है उसका थ्योरी पेपर कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो देखिए, मैकमिलन के बुक में जो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया हुआ है कि सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड 3x + y = 15, 2x + 5y = 24, x + y = 7, एक्स और वाई जो है ग्रेटर इक्वल जीरो होगा, जीरो से कम नहीं हो सकता, एंड मैक्सिमाइज एफ इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2 + y। तो मैक्सिमाइज वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। इसको फ्रेंड मैंने कॉपी में लिख लिया है हमारा 3x + y। तो सबसे पहले हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा 3x + y = 50 पहला हमने मान लिया, इसके लिए हम एक्स और वाई की वैल्यू डिराइव करेंगे। अगर हमारा x ज़ीरो है, x की जगह हमने ज़ीरो लिया तो ये पोर्शन ज़ीरो हो गया, तो y इक्वल टू हमारा 15 आएगा। और y अगर हमने ज़ीरो लिया तो यहाँ पे 3x = 15, तो x = 15/3 यानी कि 5। अब सेकंड इक्वेशन हम लोग देखेंगे, 2x + 5y = 24, यहाँ पे इक्वल टू मानेंगे फ्रेंड्स, इक्वल टू 24। एक्स और वाई, तो अब एक्स की अगर वैल्यू ज़ीरो, यहाँ पे 2x + 5y = 24, तो 5y = 24 हो जाएगा और y = 24/5। तो देखिए हम लोग 24/5 = 4.8, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 4.8। अब वाई की वैल्यू ज़ीरो लेंगे तो ये पोर्शन ज़ीरो हो गया, तो 2x = 24, इसलिए x = 24/2 = 12। अब नेक्स्ट वैल्यू है x + y = 7, तो इसमें हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। x y, अगर x 0 होगा तो y 7, और अगर y 0 होगा तो x 7। अब हम इस डेटा से एक ग्राफिकल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। यहाँ पे हम लोग लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, और इधर में भी वैसे ही ले लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा x 0, y 15, तो ये x हमारा 0 हो गया और y हो गया 15, तो यहाँ पे हम लेंगे 0, 15। ठीक है, अब नेक्स्ट है x 5, y 0, तो y 0 और x 5, ये हो गया 5 और 0, और उसके बाद हम लोग इसको मिला देंगे यहाँ से। ये देखिए हमने मिला लिया। अब नेक्स्ट है हमारा 0x0y 4.8, तो ये 4.8 यहाँ कहीं आएगा फ्रेंड, तो 0 4.8। और सेकंड है 12 0, x की वैल्यू 12 0। अब इसको हम लोग मिला लेंगे, अब नेक्स्ट है x7 y7, इसको भी हम लोग मिला लेंगे। तो हमें फ्रेंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट निकालना है, तो वो पोर्शन जो हमारे तीनों लाइन में कवर कर रही है वो हो गई हमारी ये पोर्शन। ठीक है, तो हमारा ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है दैट इज आवर मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। हम पहला इक्वेशन लेंगे जो कि हमारा था 3x + y = 15,
और सेकंड था 2x + 5y इक्वल टू 24। इसको इक्वेशन वन मान लिया, इसको इक्वेशन टू मान लिया। अब इसमें से इसमें अगर हम y को माइनस करते हैं तो हमें इसको 5y बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन होगा 15x + 5y = 75 और 2x + 5y = 24। अब इसको हम माइनस करेंगे, ये माइनस हो गया, 15 में से 2 माइनस हुआ तो 13x = 75 में से 24 गया तो 51। इसलिए x = 51/13 = 51/13 3.92। अब हम लोग इस x की जो वैल्यू है ये इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख लेंगे। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में y की x की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू x की वैल्यू क्या आई है 3.92 प्लस y = 15। ठीक है, तो 3 × 9 = 3.92 × 3 11.76 प्लस y = 15। तो y = 15 - 11.76 = 15 - 11.76 3.24। तो y की वैल्यू हमारी आ गई 3.24। अब फ्रेंड हमें x की वैल्यू हमारी आ गई 3.92, y की वैल्यू आ गई 3.24, यानी कि हमारा जो पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ था ये, इसका वैल्यू होगा 3.92, 3.94। इस वैल्यू पे हमारी मैक्सिमाइज वैल्यू आएगी। तो क्या होगी हमारी मैक्सिमाइज वैल्यू, इसके लिए हमारा इक्वेशन दिया हुआ था f = x/2 प्लस वाई। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 3.92 आई थी तो 3.92 / 2 प्लस 3.24। मैंने 3.94 लिखा होता है, ये 3.24 होगा, आप कंफ्यूज नहीं होगा। तो सॉल्व करिए, 3.92 / 2 1.96 प्लस 3.24 प्लस 3.24 5.2। तो हमारा जो मैक्सिमाइज वैल्यू होगा वो 5.2 पे होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब फ्रेंड देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 9 नंबर क्वेश्चन, इसको हम बनाएंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द फ्यूल कंपनी टू मिक्स फ्यूल टू फ्यूल्स ए एंड बी फॉर इट्स ट्रक्स इन ऑर्डर टू मिनिमाइज कॉस्ट इट्स नीड नो लेस देन 3,000 liters इन ऑर्डर टू रन इट्स फ्लीट ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ। इट हैज अ मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 4,000 liters। देयर आर 2,000 liters ऑफ फ्यूल ए एंड 4,000 liters ऑफ फ्यूल बी अवेलेबल। फ्यूल ए 2,000 liter है, फ्यूल बी 4,000 liter है। ठीक है, मिक्स्ड फ्यूल मस्ट हैव ए ऑक्टेन रेटिंग ऑफ नो लेस देन 80। मिक्स्ड फ्यूल जो होगा वो ए प्लस बी होगा, तो वो 80 से कम नहीं होना चाहिए। व्हेन मिक्सिंग द फ्यूल्स द अमाउंट ऑफ फ्यूल ऑक्टेन इज जस्ट इक्वल टू द सम ऑफ पार्ट्स पुट इन। ऑक्टेन रेटिंग इज द वेटेज एवरेज ऑफ इंडिविजुअल ऑक्टेन वेटेड इन प्रोपोर्शन टू द रेस्पेक्टिव वॉल्यूम्स। फ्यूल ए हैज एन ऑक्टेन 90 and cost rupees 20 per liter and fuel B has an octane of 75 and cost rupees 13.33 liters। तो इसको हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। टू फ्यूल मिक्स बोल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, तो वो लेस देन 3000 और मैक्सिमम 4000 के बीच में है। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा दैट इज 4000 ए प्लस बी ग्रेटर इक्वल 3000।
3000 से ज़्यादा है, 4000 से कम है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि देयर आर 2000 लीटर ऑफ फ्यूल ए एंड 4000 लीटर ऑफ फ्यूल बी, यानी कि हमारा जो ए है दैट इज लेस इक्वल 2000 और हमारा जो बी है दैट इज लेस इक्वल 4000, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट बोल रहा है कि ऑक्टेन 90 जो है वो ए का है और ऑक्टेन 75 जो है वो बी का है और दोनों का जो मिक्स है वो 80 है। तो यानी हमारा इक्वेशन होगा 90 ए प्लस 75 बी ग्रेटर इक्वल 80 ए प्लस बी, ठीक है। अब जो हमारा मैक्सिमाइज निकालना है वो हमारा रुपीज 20 पर लीटर पे निकालना है और बी का 13.33 पर लीटर पे निकालना है। तो हमारा मैक्सिमाइज प्रॉफिट जेड हम लोग मान लेते हैं, ये हमारा 20 ए प्लस 13.33 बी। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया फ्रेंड, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 90 ए प्लस 75 बी इक्वल टू 80 ए प्लस 80 बी, या ये 80 इधर आएगा 75 इधर साइड चला जाएगा, तो 90 माइनस 80 10 ए इक्वल टू 5 बी या 2 ए इक्वल टू 1 बी, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे फ्रेंड। ठीक है, हम लोग इसको क्योंकि यहाँ पे 1000 में डेटा दिया हुआ है तो हम लोग 1000, 2000, 3000, 4000 मानेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले जो बोल रहा है कि ए और बी का वैल्यू 3000 है, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, तो ये 3000 और ये 3000 हम लोग पहले इसको मिला लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू बोल रहा है 4000 से लेस, तो ये हमारा 4000 और ये हमारा 4000, इसको भी हम लोग मिला लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 0 3000 और ये हो गया 0 4000। अब नेक्स्ट जो है वो बोल रहा है कि ए जो है वो 2000 है, ये वाला ए लेस इक्वल 2000 है, तो यहाँ पे हो गया 2000, तो यहाँ से हम एक 2000 का ये ले लिया हमने। और नेक्स्ट बी इस 4000, ये बी है, बी हमारा यहाँ से 4000 हम लेंगे, 4000 ले लिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला और ये वाला दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 2000 और 1000, तो ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया 2000 एंड 1000 और ये इंटरसेक्शन हो गया हमारा 2000 2000। अब हमें हमारा जो मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स, जो हमारा ये एरिया है ये वाला, दैट इज आवर मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ठीक है। तो हमारा ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो सबसे हमारा जिसमें वैल्यू हमारा सबसे कम आएगा, सॉरी फ्रेंड हमें मिनिमाइज वैल्यू निकालना है। ये देखिए क्वेश्चन में ऑर्डर टू मिनिमाइज कॉस्ट, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने ग्राफिकली कर लिया, हमने इक्वेशन भी डिराइव कर लिया,
तो सबसे मिनिमम जो है फ्रेंड, ये पॉइंट मिनिमम है सबसे हमारा 2000, 1000। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा जेड का इक्वेशन है 20a 13.33b। तो ए हम 2000 लेंगे और बी हम 1000 लेंगे। तो जेड इज इक्वल टू 20 × 2000 प्लस 13.33 × 1000। तो ये हमारा हो गया 40,000 प्लस 13.33 मल्टीप्लाइड बाई 1000, 13330। इसमें हम 40,000 प्लस कर लेंगे तो 53330 इज आवर आंसर। ठीक है, हम देखिए फ्रेंड हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें एक डाइट अरेंजमेंट एक हॉस्पिटल का दिया हुआ है। उसमें दे रहा है कि डाइटिशियन ऑफ द हॉस्पिटल इज आस्क्ड टू प्रिपेयर फूड विच विल हैव लो कॉस्ट बट एट द सेम टाइम प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नरिशमेंट। द डाइट शुड हैव बिटवीन 1800 to 3600 कैलोरीज, नो मोर देन 1400 कैलोरीज कैन बी स्टार्च, नो लेस देन 400। देखिए यहाँ मोर देन है, यहाँ लेस देन है। नो लेस देन 400 कैलोरीज ऑफ प्रोटीन। द वेरिड डाइट विल बी मेड ऑफ टू फूड्स ए एंड बी। दो फूड है हमारा ए एंड बी, जिसमें हमारा कैलोरी जो है स्टार्च का 1400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और प्रोटीन का 400 से कम नहीं होना चाहिए। तो फूड ए हैज़ 200 कैलोरीज ऑफ स्टार्च एंड 400 कैलोरीज ऑफ प्रोटीन, इट कॉस्ट ₹150 पर केजी। फूड बी हैज़ 700 कैलोरीज ऑफ स्टार्च, 100 कैलोरीज ऑफ प्रोटीन एंड 100 कैलोरीज ऑफ फैट, इट कॉस्ट ₹30 पर केजी। वी शुड नॉट गिव मोर देन 1 kg ऑफ ए टू एनीवन। राइट द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द इन्फॉर्मेशन, सॉल्व द प्रॉब्लम बोथ ग्राफिकली एंड थ्रू सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड फ्रेंड्स बहुत लेंदी हो जाएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ग्राफिकल मेथड बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले हम लोग इक्वेशन डिराइव करेंगे। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो पिछले जो हमने इसमें सॉल्व किया है, हमने इसका ये पोर्शन क्यों लिया, ये पोर्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसके नीचे का जो होता है ग्राफिक लाइन के नीचे का जो पोर्शन होता है दैट इज़ मैक्सिमाइज, और ग्राफिक लाइन के ऊपर का जो पोर्शन होता है वो मिनिमाइज होता है। तो हमारा जो चारों लाइन के अंदर जो हमारा डेटा आ रहा है वो हमारा ये डेटा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डाइट अरेंजमेंट क्या क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 200 ए का जो है 200 कैलोरीज ऑफ स्टार्च एंड 400 कैलोरीज ऑफ प्रोटीन। तो ए का 200 और बी का 700 कैलोरी, वो 1400 से लेस इक्वल है। तो यानी हमारा 200 ए प्लस 700 बी इज लेस इक्वल 1400, या फिर ये 0 0 0 कैंसिल हो गया। तो आवर इक्वेशन इज 2a प्लस 7b लेस इक्वल 14। अब नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन में देखिए 400 कैलोरीज और 100 कैलोरीज और टोटल कितना है 400, नो लेस देन। ठीक है, ये ग्रेटर इक्वल होगा फ्रेंड्स यहाँ पे। तो सेकंड इक्वेशन हमारा हो जाएगा 400 प्लस 100, तो 400 ए प्लस 100 बी, ओ ये मैंने सही लिखा था, ये लेस इक्वल ही होगा फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं ठीक से लिख देती हूँ। ओके, 200 ए प्लस 700 बी लेस इक्वल 1400, तो 2a प्लस 7b लेस इक्वल 1400। और नेक्स्ट जो है हमारा वो 400 प्लस 100b ग्रेटर इक्वल 400, एक्चुअली ये उल्टा लिखा है फ्रेंड्स, ये नो मोर देन है और ये नो लेस देन है, मतलब 400 से ज़्यादा होगा और ये 1400 से कम होगा, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हुआ। ये 1400 लेस और ये 1400 ग्रेटर 400। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4
प्लस 4a प्लस 1b ग्रेटर इक्वल 4। हमारा 2 इक्वेशन हो गया। और एक और बोल रहा है कि a को 1 केजी से कोई भी ज्यादा नहीं देना है, तो हमारा a जो होगा दैट इज लेस इक्वल 1। और टोटल कैलोरीज जो हमारी है वो 1800 से टोटल कैलोरीज 3600 के बीच में होनी चाहिए। और हमारा Z मैक्सिमाइज प्रॉफिट कितने पाएगा, यहाँ पे देखिए A का 150 पर केजी दे रहा है और B का 30 पर केजी दे रहा है, तो हमारा जो मैक्सिमाइज प्रॉफिट आएगा 150 A प्लस 30 B। चलिए हम लोग इसका डेटा निकालते हैं इक्वेशन वन से। पहले इक्वेशन वन है हमारा 2a प्लस 7b इक्वल टू 14 ab। अब a अगर हमारा 0 होगा तो 7b इक्वल टू 14, तो b इक्वल टू 14 बाई 7 2 हो जाएगा यहाँ पे। और अगर हम लोग b 0 लेते हैं तो 2a इक्वल टू 14, तो a इक्वल टू 14 बाई 2 इक्वल टू 7। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारा 4a प्लस 1b इक्वल टू 4, ए बी। तो अगर हमारा a 0 है तो 1b इक्वल टू 4 यानी b इक्वल टू 4। अब b अगर हमारा 0 हो जाता है तो 4a इक्वल टू 1। अब हम इसको प्लॉट करेंगे डायग्राम। फ्रेंड्स देखिए, तो अब a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 2। तो a 0, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो 0 पे हमारा 2 हो जाएगा, 0 2, और 7 0, यहाँ पे 7 0। अब हम इसको मिला लेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा 0 4, यानी कि 0 1 2 3 4, ये हो गया 0 4 और 1 0, यहाँ पे 1 0, इसको भी हम मिला लेंगे। अब नेक्स्ट जो बोल रहा है a 1, तो हमारा a जो आएगा वो ऐसे आएगा, तो हमें फ्रेंड इसमें क्या निकालना था, हमें राइट द इक्वेशन रिक्वायर्ड नरिशमेंट, हमें इसमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट निकालना है। तो जो हमारा सेक्टर पॉइंट है, सेक्टिंग पॉइंट का जो लोअर पोर्शन होता है, जो हमारे तीनों लाइन में होता है, वो हमारा इसमें ये वाला है। तो दिस इज आवर मैक्सिमाइज प्रॉफिट एरिया, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसका वैल्यू निकालने से हमारा मैक्सिमाइज वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो चलिए इसका मैक्सिमाइज वैल्यू हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन था फ्रेंड 2a प्लस 7b इक्वल टू 14, और सेकेंड है 4a प्लस 1b इक्वल टू 4। तो 4a प्लस 1b इक्वल टू 4, तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो इसको हम फ्रेंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4a प्लस 14b इक्वल टू 28, और ये 4a प्लस 1b इक्वल टू 4,
इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 1 गया तो 13 भी, 28 में से 4 गया तो 24, तो b इज इक्वल टू 24 बाई 13 इक्वल टू 24 डिवाइडेड 13 1.84। अब b की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 2a प्लस 7 इंटू 1.84 इज इक्वल टू 14, 2a प्लस 1.84 मल्टीप्लाइड बाई 7 12.88 इज इक्वल टू 14, 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12.88, 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12.88 1.12, a इज इक्वल टू 1.12 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड टू 0.56। तो हमारा a हो गया 0.56 और b हो गया 1.84। तो हमारा जो z था दैट इज 150a प्लस 30b, तो इसमें हम 150 इंटू a हमारा आया 0.56 प्लस 1.84 यहाँ पे है 30b, तो 30 इंटू 1.84। तो 0.56 मल्टीप्लाइड बाई 150 इज इक्वल टू 84 प्लस 30 इंटू 1.84 55.2। इसमें 84 प्लस कर देंगे प्लस 84 तो 139.2। तो आवर जेड इज 139.2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पॉपुलराइज करिए, शेयर करिए और थम्स अप और थम्स डाउन के बटन से आप हमारे वीडियो को लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।